बहुत अच्छा लगा दोस्तों, मुंह धुलने के बाद बहुत अच्छा सा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे हम कहाँ आ गए हैं, मतलब बहुत अच्छा सुकून सा मिल रहा था। घर तो हम मुंह धुलते हैं तो अच्छा लगता है, मगर यहाँ और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, खुला सब तरफ से आसमान, आसमान के नीचे हम, और बहुत ज़्यादा मज़ा सा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने मुंह धुला, मुझे अपना पुराने दिन याद आएगा जब मैं बचपन में आता था खेत पे पिताजी के साथ और अपना काम वाम करते थे हम खेतों, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था उस वक्त हमें। ऐसी अब मैं फील कर रहा हूँ और मैं अब आगे आपको अपने यहाँ के शमशान घाट बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ। चलो जब तक के लिए मिलते हैं आगे, ठीक है। देखो दोस्तों, ये गन्ना लाए हैं अपना तोड़ के खेत में से और गन्ना खा रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है गन्ना। आपको पता है कि इसे खाने के बाद कहा जाता है कि पीलिया जो होता है, जिसे जॉन्डिस बोलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा काम में आता है ये गन्ना। तो ये गन्ना खा रहे हैं, स्वच्छ हवा ले रहे हैं, मौज काट रहे हैं अपना, फुल एंजॉयली अपने खेत पर आ गया हूँ। ये हमारा खेत है, ये देखो, इसमें हमने सरसों लगा रखी है। कल भी मैंने आपको सरसों के बारे में बताया था थोड़ा सा, आज भी बता देता हूँ। सरसों क्या होती है दोस्तों, जिसे हम लाई भी बोलते हैं, और इसका तेल निकलता है सरसों का, जिसे बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल, जो हम खाने पकाने में जिसका यूज़ करते हैं। ये सरसों है, देखो गाइस आप देख सकते हैं इधर को, ये है सरसों। ये ऐसी सरसों होती है, इसे हम पहले काटेंगे, काटने के बाद घर ले जाएंगे, सुखाएंगे थोड़ा सा और उसको ऐसे झाड़ लेंगे। झाड़ने के बाद उसके ऐसे करके दाने निकल जाएंगे, और जब दाने निकल जाएंगे तो हम इसे फिर हम पिलवाने के लिए ले जाएंगे। वहाँ पिलवाने जाएंगे तो इन दानों में से तेल निकल जाएगा, बाकी का खल बन जाएगा, जो कि हमारे यहाँ के डंगर खाते हैं, जिसे हम हमारे जो जानवर होते हैं उससे दूध की पैदावार अच्छी होती है वो खाते हैं। ये हमारा पूरा खेत है, आप देख सकते हैं दूर तक। ये पूरा खेत है हमारा, और ये हमारा खेत के बराबर में ये झुंड टाइप है, ये झुंड टाइप है, काफ़ी समय से ऐसे हमने कुछ करा नहीं है, हमने ऐसे रख रखे हैं क्योंकि ये हमारे पुश्तैनी है, इसलिए हमने ऐसे कर रख रखा है। ये जब हमारे चाचा जी की डेथ हुई थी तो हमने अपने चाचा जी का अंतिम संस्कार यहीं किया था अपने खेत पर, तो हमने अपने चाचा जी का ये मठ बनवा रखा है। और ये हमारे चाचा जी थे जो कि जिनका स्वर्गवास हो गया, मेरे जन्म के सवा महीने बाद ये एक्सपायर हो गए थे, और जब से हमने ये फाइनली अब आके 2-3 साल पहले हमने इनका ये मठ बनवाया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा अपने यहाँ के शमशान, कि शमशान घाट कैसे हमारे यहाँ के। ये देखो दोस्तों, ये शमशान घाट है हमारे यहाँ के। यहाँ पर लोग आते हैं, दुनिया में लोग आते हैं, अच्छा काम करते हैं, कुछ बुरा करते हैं, बहुत सारे तरीके के लोग होते हैं, और कितना पैसा कमा लें, कितनी शोहरत मोहलत, बहुत सारी चीज़ें दुनिया में कमाने के बाद, शोक मौज करने के बाद आदमी को एक दिन यहीं आना होता है, और यहीं आके उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, उसकी कहानी समाप्त हो जाती है। इसमें चाहे गरीब हो चाहे अमीर, सभी यहाँ आके राख हो जाते हैं एक दिन। ये दोस्तों हमारे यहाँ का शमशान घाट है, आप देख सकते हैं ये शमशान घाट है, यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है लोगों का। आप इधर देख भी सकते हैं, ये अंतिम संस्कार अभी लास्ट टाइम किसी बुजुर्ग का हो गया था, तो ये उनका सामान पड़ा है, और यही नदी है वो जो सूख गई थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये नदी पूर्णतः सूख गई है, यहाँ नहाते वाते हैं, स्नान करते हैं लोगों का अंतिम संस्कार करने के बाद। ये पूरा शमशान है, यहाँ से वहाँ तक जहाँ आदमी का मन करता है वहीं रख के सब फूंक देता है। कोई हमारे यहाँ एक व्यवस्था नहीं है कि ठीक रूप से एक शमशान घाट हो, वहाँ पर लोगों का अंतिम संस्कार किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर हमारे यहाँ, और बढ़िया है ये। और उसके बाद में आप दिखाऊंगा आपको कि इसके बराबर में ही हमारे बेरी के पेड़ होते हैं बहुत सारे, और वहाँ पर हम बेर खाते हैं, और बचपन में आया करते थे घर वालों के साथ, अब बड़े हो गए तो खुद हम अपने आप आ जाते हैं और बेर खाते हैं। आप देख सकते हैं इधर, ये बेरी है, बेर लग रहे हैं इधर, ये थोड़े थोड़े लग रहे हैं, छोटे छोटे। मैं अभी आपको पूर्णतः सही से बेर दिखाता हूँ, अभी इसमें है भी नहीं सही से। हम दूसरी तरफ चलते हैं और दूसरी तरफ बेर दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि बेर कैसे होते हैं। रुक रुक, ये हमारे यहाँ देखो दोस्तों, ये बेर लग रहे हैं इधर, आप देख सकते हैं ये बेरी हैं, ये बेर लग रहे हैं, ज़बरदस्त बेहतरीन। हम आकर बेर खाते हैं यहाँ पर घर वालों के साथ में अपने, बहुत अच्छे लगते हैं बेर, और ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। जब मोल खरीदते हैं ना आप, ओ माय गॉड, कांटा लग गया मेरे। ये देखो दोस्तों कितने सुंदर और अच्छे बेर हैं, और स्वच्छ एकदम ज़बरदस्त। ये हम खाते हैं, साथ में आते हैं घर वालों के। इधर आप देख सकते हैं सामने बहुत सारी बेरी लग रही हैं, इधर ये बेरी हैं सामने, ये सब इधर, ये पूरे बेर लग रहे हैं इधर, आप देख सकते हैं ऊपर बहुत अच्छे अच्छे ज़बरदस्त बेर लग रहे हैं।
इन पे चोट भी लग जाती है हमारे कई बार, जैसे अब मेरे लग गया कांटा, लग गया है छुप गया कांटा मेरे, दर्द हो रहा है। और तो ये बेरी है, मैंने जैसे आपसे कहा था कि बेरी दिखाऊंगा, शमशान दिखाऊंगा, और आज मैं आपको गेहूं के बारे में बताऊंगा, अपने खेत दिखाऊंगा। फाइनली मैंने कर दिया है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो मेरी, अच्छा लग रहा हो, तो अपना प्यार दें, सहयोग दें। धन्यवाद, नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करें।